अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हमने पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप लोग बुक खोले, नसर की तरफ हम आएंगे। आज मौलाना जफर अली खान जो है उसको पढ़ना है, खत्म करना है। 54 पेज है, 54 सफा। ओके, काला ली तस्वीर हो, हाय काला ही से निकाले बेटा, पिक्चर नहीं ना आएगी। चले बेटा निकाले, मौलाना जफर अली खान, चिराग अल चिराग हसन हसरत का ये सामने उनके नाम के तस्वीर लगी पूरी हो गई है। खान के बारे में लिखा है, और चिराग एक सहाफी थे, मजा निगार सहाफी थे। इसके अलावा जो है उनका जो अस्लूब निगारिश है, यानी लिखने का जो अंदाज है, वो खासतौर पर उसमें जबान जो है वो सादा जबान इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा जुजियात निगारी का, यानी बहुत इस तरह की चीजें हैं। बहुत कम उम्र में उनका इंतकाल हो गया 1902 में, और 1900 आज हम ये शुरू से पढ़ रहे हैं। मौलाना जफर अली खान, अब से कोई 10 साल उधर का जिक्र है कि मैं अखबार नई दुनिया के दफ्तर में बैठा काम कर रहा था, इतने में किसी ने आके कहा के जुमेदार साहब आए हैं। मैं लुंगी बांधे बैठा था। ये मौलाना जफर अली खान के बारे में वो बता रहे हैं, अपना बता रहे हैं कि वो दफ्तर में बैठे हुए थे। दफ्तर में बैठे हुए थे, काम कर रहे थे, नई दुनिया कोई अखबार या रिसाले का दफ्तर था जहां वो बैठे हुए काम कर रहे थे। किसी ने आके उनसे कहा कि जुमेदार साहब आए हैं। मैं लुंगी बांधे बैठा था, यानी जो जिसे हम धोती कहते हैं या तहबंद, वो बांधे हुए बैठा हुआ था। सर के बाल परेशान, दाढ़ी कई दिन की बड़ी हुई, यानी सर के बाल जो थे वो बिखरे हुए थे, दाढ़ी जो थी वो कई दिन से मैंने उसकी शेव नहीं की थी। जिम्मेदार का नाम सुनते ही हड़बड़ा के उठा और पूछा, कौन जिम्मेदार साहब? जब मैंने उनका नाम सुना तो मैं जो था एकदम परेशान होकर उठा और मैंने पूछा कौन। वो बेचारा कुछ कहने ना पाया था कि मौलाना शाइक अहमद उस्मानी आए और कहने लगे, भाई मौलाना जफर अली खान आए हैं। कोई मौलाना शाइक अहमद उस्मानी थे, उन्होंने आकर कहा कि मौलाना जफर अली खान आए हैं। मौलाना जफर अली खान शायरी के हवाले से बहुत मशहूर हैं, आपने इनकी नाते हमद इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ी होंगी। इसके अलावा ये पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान में भी इनका किरदार है, और मुख्तलिफ रिसालों में काम करते थे। इस तरह का इनका बहुत बड़ा एक किरदार है पाकिस्तान की तहरीक में। चचा सद्दीक अंसारी ने जो अपने गदेले पर बैठे पानों की जुगाली कर रहे थे, गदेला होता है ऐसी कोई गद्दी जो है रुई की बनी हुई, जो गद्दी सी होती है उसको कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि चचा सदीक अंसारी जो अपने रुई की गद्दी पर बैठे हुए थे पानों की जुगाली कर रहे थे, यानी पान खा रहे थे, मुसलसल पान जब खाते रहते हैं तो उसे कह रहे हैं। अंगड़ाई ली और नीम बाज आंखों से, अंगड़ाई ली यानी एक उन्होंने अपने हाथ पैर जो थे वो जरा खोले, और नीमबाज यानी अध खुली आंखों से इधर उधर देखकर एक और गलोरी गले में कल्ले में दबा ली। एक और गलोरी पान का एक और टुकड़ा, एक और जो पान बनाते हैं जिसमें वो सब चीज़ें होती हैं जो पान के लवाजमात होते हैं उनको बना के वो गोल सा बना लेते हैं, तो उसको वो कह रहे हैं कि उन्होंने कल्ले में दबा ली, यानी अपने जो है साइड रुखसार की जो साइड कोना है वहाँ रख ली। इन दिनों नई दुनिया का दफ्तर चूना गली में हुआ करता था। सड़क के किनारे एक छोटा सा मकान था, बाहर एक तरफ असरे जदीद पेरस प्रेस, दूसरी तरफ हकीम गुलाम मुस्तफ़ा का मतब। गुलाम मुस्तफ़ा का मतब यानी उनका हिकमत खाना हकीम जो है वो वहाँ बैठा करते थे, उनका क्लिनिक जो भी आप कहें। दरवाजे से अंदर घुसो तो दाहिनी तरफ नई दुनिया आबाद थी और बाईं तरफ मौलाना शाइक अहमद उस्मानी ने पुरानी दुनिया बसा रखी थी, यानी अपने अहलो अयाल और अरबी की भारी भरकम किताबों समेत रहते थे। यानी मौलाना शाइक अहमद उस्मानी जो थे, एक तरफ वो उसमें रहा करते थे अपने बीवी बच्चों के साथ और दूसरी तरफ ये दफ्तर था। मैं इस नई दुनिया का कोलंबस था, यानी ये नई दुनिया मैंने दरियाफ्त की थी। आपको पता है ये कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया और वो जहाज़ जो था वो लेकर निकला था, और कहते हैं कि वो असल में हिंदुस्तान दरियाफ्त करने के लिए निकला था, लेकिन हिंदुस्तान के उसका रास्ता वो भटक गया
और वो अमरीका की तरफ चला गया। तो उसके हवाले से कह रहे हैं कि मैंने भी, यानी मैं भी कोलंबस हूँ, मैंने वो चीज़ दरियाफ्त की थी नई दुनिया, और मकाला इफ्तिताहिया के जहाज के साथ साथ फकाहात की कश्ती भी चलाता था। यानी मैं अपने ना फकाहात होता है मजाहिया बातें, यानी वैसे जो है वो और मकाले भी लिखता था, लेकिन मजाहिया बातें जो था वो भी किया करता था, यानी मैं ज़राफ़त की तरफ था। अफसोस के ये महफिल साल भर के अंदर अंदर बरहम हो गई, यानी ख़त्म हो गई, ना नई दुनिया रही ना पुरानी दुनिया रहे ना अल्लाह का। थोड़ी देर में मौलाना जफर अली खान खटखट करते तशरीफ़ लाए। ये उन्होंने बाद में लिखा है, क्योंकि 10 साल पहले का जिक्र करें तो उस साल की बात बता रहे, अब उन्होंने दोबारा अपने उसी टॉपिक के ऊपर आ गए हैं। खटखट करते यानी बहुत तेज़ तेज़ चलते हुए। मैंने उन्हें इससे पहले नहीं देखा था, यानी पहले उनकी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। तस्वीरें ज़रूर देखी थी, लेकिन तस्वीरों से किसी शख्स की सूरत शक्ल के मुतालिक सही अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। बहरहाल इतना तो यकीन था कि इनकी तोंद तो ज़रूर बढ़ी हुई होगी, यानी उनका पेट, तोंद पेट, कि उनका पेट जो है वो बड़ा सा होगा। आखिर जब मामूली कारकुनों का कुब्बा शिकम गुम्बद फलक से हमसरी करता है, तो मौलाना जफर अली ख़ान को, जिन्हें ऑल इंडिया लीडर की हैसियत हासिल है, यानी कुब्बा शिकम यानी जो शिकम का एक पेट का गुम्बद है, वो जो है, अगर वो कह रहे हैं कि वो आसमान से बातें करता है, गुम्बद फलक से यानी आसमान से बातें करता है, इतना मोटा होता है हमसरी करना कि उसके उस जैसा उसे बराबरी करता है, तो मौलाना जफर अली ख़ान को, जिन्हें ऑल इंडिया लीडर की हैसियत हासिल है कि वो ऑल इंडिया पूरे जो इंडिया है, हिंदुस्तान है, उसके एक लीडर हैं, एक अदद ग्रांड डील तो तोंद का मालिक होना चाहिए, यानी एक बड़ी तोंद का मालिक बहरहाल उन्हें होना चाहिए। लेकिन उन्हें देखकर सख्त मायूसी हुई कि तोंद ना अमामा, यानी उनका ना पेट बड़ा हुआ था और ना ही उनके सर पे अमामा था। अमामा जो है वो आमतौर पे जो मौलाना हजरात होते हैं, जो ये दरसी इस तरह की तालीम हासिल करते हैं मौलवियत की, तो इनका ख़ास एक तरह की इनकी टोपी होती है जिसे अमामा कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनके ना तोंद थी, ना उनका पेट बड़ा हुआ था, ना ही अमामा था। आखिर ये कैसे मौलाना और कैसे लीडर हैं? ये राज लाहौर आके खुला कि मौलाना तोंद से क्यों महरूम रहे, यानी जब वो लाहौर आए और तो उन्हें मालूम हुआ कि मौलाना जो है उनका पेट बढ़ा हुआ क्यों नहीं था। गर्ज मौलाना तशरीफ़ लाए और आते ही साइमन कमीशन, हिंदुस्तान की जदीद असलाहत, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और कामिल आज़ादी का किस्सा छेड़ दिया। यानी साइमन कमीशन जो है वो आया हुआ उस ज़माने में, उसका जिक्र किया हिंदुस्तान की जदीद के क्या क्या असलाहत होनी चाहिए, हिंदुस्तान में क्या क्या नई बातें नई चीज़ें होनी चाहिए। राउंड टेबल जो गोल में इस कॉन्फ्रेंस हम जिसे कहते हैं, कामिल आज़ादी मुकम्मल आज़ादी का उन्होंने किस्सा छेड़ दिया, यानी उसके बारे में बात करने लगे। उनसे इस मसले पर बहसें रहती, सॉरी, मौलाना शाइक अहमद उस्मानी इन दिनों कांग्रेस से बागी हो चुके थे। मौलाना शाइक अहमद उस्मानी उससे पहले कांग्रेस के थे, लेकिन वो फिर उससे अलहदा, मतलब उसको नापसंद करने लगे थे, और साइमन कमीशन से तामुन के हामी थे और चाहते थे कि साइमन कमीशन के साथ तामुन किया जाए। उनसे इस मसले पर बहसें रहती थी, यानी अब अपना बता रहे हैं कि मेरी और मौलाना शाइक उस्मानी की आपस में इस मसले पर बहसें रहती थी, यानी इस मसले पर हम बातचीत करते रहते थे। अब मौलाना ने ये हिकायत शुरू की तो फिर यही बहस छिड़ गई, हिकायत शुरू की यही बात शुरू की। जब उन्होंने ये चीज़ की इस बात का दोबारा से जिक्र किया तो फिर यही बहस छिड़ गई, यानी यही बात होने लगी, इसी के ऊपर बात होने लगी। लेकिन दरअसल मुझे इस बहस से चंदा दिलचस्पी ना थी, यानी मुझे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, कदरे दिलचस्पी नहीं थी, मैं ज़्यादा इसके हवाले से बात नहीं करना चाहता था। मौलाना के नज़दीक आईनी कमीशन का हिंदुस्तान आना बहुत अहम वाक़या था, यानी उनके नज़दीक जो है आईनी कमीशन हिंदुस्तान आया था उसका जो वो ये एक बहुत अहम चीज़ थी, और हमारे नज़दीक मौलाना जफर अली ख़ान का कलकत्ते तशरीफ़ लाना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था। वो कह रहे हैं कि मौलाना जो थे वो क्योंकि ऑल इंडिया लीडर थे तो उनके लिए वो चीज़ अहमियत रखती थी, लेकिन हमारे लिए जो है वो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मौलाना कलकत्ते आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं। तो कलकत्ता जो है, मैंने आपसे कहा था कि वहाँ का इंडिया का एक मशहूर शहर है, तो वहाँ का वो जिक्र कर रहे हैं। अब खींचा तानी शुरू हुई यानी कश्मकश शुरू हुई। मैं चाहता था कि मौलाना शेर व शायरी की तरफ आए और मौलाना हम सबको सियासत की तरफ खींचे लिए जाते थे, यानी वो चाह रहे थे कि मौलाना जो है वो अपनी शायरी सुनाएं, अपनी नज़में सुनाएं, अपने जो नात हम इस किस्म की जो भी वो चीज़ें तहरीर करते थे शायरी की सिंफ में,
वो हमें उस तरफ मतलब उसके ऊपर बातचीत हो। और मौलाना क्या चाहते थे कि सियासत जो है, जो मौजूदा सियासत है, जो जमाने में सियासत हो रही थी, उसके ऊपर बात हो। मैंने गालिब का नाम लिया, मौलाना ने बर्तन हेड का जिक्र शुरू कर दिया। बस अब ये कैफियत थी कि मैं उन्हें मीर की तरफ खेलाता हूँ और वो मुझे बॉलिड वन की तरफ लिए जाते हैं। मैं कहता हूँ गालिब, वो फरमाते हैं साइमन। गर्ज देर तक यही झगड़ा रहा, यानी वो उन्हें गालिब मीर उनके हवाले से बात करना चाह रहे हैं कि शायरी की बात हो शुरू तो, लेकिन मौलाना चाहते हैं कि वो जो मौजूदा सूरत हाल है, जो सियासत है, उसके ऊपर बात करें। आखिर मौलाना को फतह हुई, यानी हमने मजबूरन शेर व अदब का पिंड छोड़ा और खामोशी से उनकी बातें करने लगे, बातें सुनने लगे। यानी आखिर जो है वो मौलाना जो थे उन्हें वो फतह याब हो गए, कामयाब हो गए अपने उसमें काम में। और उन्होंने क्या किया कि इन लोगों ने शायरी शेर व अदब का जो ख्याल था वो दिल से निकाल दिया और मौलाना जो थे वो उनकी बातें मौलाना की बातें खामोशी से सुनने लगे। मैं लाहौर आया तो कुछ दिनों जिम्मेदार के दफ्तर में भी क़याम रहा। मौलाना जो थे वो जिम्मेदार अखबार भी निकाला करते थे, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, तो उसका जिक्र कर रहे हैं कि मौलाना ज़फ़र अली जब मैं लाहौर में आया तो उनका दफ्तर था जिम्मेदार का, तो मैंने उसमें भी कुछ दिन क़याम किया है। एक रात का जिक्र है कि किसी ने पिछले पहर मेरा शाना हिलाया। पिछले पहर यानी आधी रात को, दरमियानी रात को, अब भी जो रात का थोड़ा वक्त जब गुजर जाए, गहरी रात हो जाए, तो उस पहर में किसी ने मेरा शाना हिलाया, मेरा कंधा हिलाया, शाना कंधे को कहते हैं। मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा, लेकिन अभी सुबह ताजिब थी, यानी अभी बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था, अभी रोशनी नहीं हुई थी, हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। सिर्फ इतना मालूम हुआ कि कोई शख्स मेरे सिरहाने खड़ा है, यानी मेरे सर की तरफ, मेरे जो जहाँ तकिया रखते हैं उस तरफ वो खड़ा हुआ है। मैं घबराया कि इलाही ये क्या माजरा है। इतने में मौलाना की आवाज़ आई कि उठो मेरे साथ सैर को चलो, यानी उन्होंने मौलाना ने उन्हें कहा कि उठो और मेरे साथ सैर को चलो, यानी वो हम जिसे मॉर्निंग वॉक कहते हैं, सुबह की सैर, यानी वो सुबह की सैर को चलो। मैं समझ गया कि मौलाना सैर को जा रहे हैं और मुझे शर्फ़ रफाकत बख्शना चाहते हैं, यानी वो सैर को जा रहे हैं और मुझे शर्फ़ रफाकत यानी अपना साथ देना चाहते हैं, वो चाहते हैं मैं उनके साथ चलूँ। लेकिन खुदा भला करे काजी एहसानुल्लाह मरहूम का, उन्होंने मुझे पहले ही बता रखा था कि अगर मौलाना तुम्हें अपने साथ सैर को ले जाना चाहें तो हरगिज़ ना जाइयो। ये भी वही पुरानी उर्दू है, जाइयो खाइयो लाइयो, तो उसमें तो वो कह रहे हैं कि लेकिन काजी जो हैं एहसानुल्लाह मरहूम ने मुझे पहले ही इस जो है वो उस वक्त जिस वक्त ये कहानी लिख रहे हैं उनका इंतकाल हो चुका है, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर मौलाना तुम्हें कभी चाहें कि तुम्हें अपने साथ सैर पे लेके जाएं, सुबह की सैर के लिए लेके जाएं, तो तुमने बिल्कुल नहीं जाना। मैंने पूछा ये क्यों, कहने लगे वो तो पिछले पहर उठकर नहर के किनारों मीलों दौड़ते ही चले जाते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि वो पिछले पहर यानी आधी रात को उठ के और फिर क्या करते हैं, ये नहर के किनारे मीलों दौड़ते हैं, यानी बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा नहर के किनारे दौड़ते हैं, फिर डंटर पेलते हैं, यानी फिर वो वर्जिश वगैरह करते हैं। तुम साथ गए तो तुम्हें भी दौड़ाएंगे और जब तुम निढाल हो जाओगे तो अपने साथ नमाज पढ़ाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि वो पहले जो है वो तुम्हें अपने साथ अगर ले गए तो फिर क्या करेंगे, पहले तुम्हें बहुत ज़्यादा दौड़ाएंगे और जब तुम थक जाओगे, बुरा हाल हो जाएगा, तो फिर तुम्हें नमाज पढ़ाएंगे अपने साथ। अब जो मौलाना ने साथ चलने को कहा तो काजी साहब की नसीहत याद आ गई और आंखों तले मौत का नक्शा फिर गया। यानी वो इतना घबराए हुए थे, इतना क्योंकि ये बात आपको कह रहा कि ये साहिब ज़राफ़त हैं, बहुत मजाकिया अंदाज में बातों को बयान करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब ये मैंने उन्होंने मुझे चलने को कहा तो काजी साहब की वो नसीहत जो थी, वो बात जो थी जो उन्होंने मुझे कहा था, वो मुझे याद आ गई और मेरी आंखों तले मौत का नक्शा यानी मुझे समझ आ गई कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने नहायत मुजमहिल आवाज़ में कहा, मुजमहिल बहुत ज़्यादा ना कमज़ोर थकी हुई बहुत कमज़ोरी की आवाज़ में मैंने उनसे कहा कि मौलाना मैं तो सख्त बीमार हूँ, रात बुखार हो गया था। उन्होंने कहा कि मौलाना मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बुखार हो गया था रात को, अब सर में सख्त दर्द है, पेट में भी दर्द हो रहा है, यानी सर में भी दर्द है और पेट में भी शदीद मेरे दर्द हो रहा है इस वक्त, गालबन कोलंज है, एक ना शदीद किस्म का दर्द होता है जो बड़ी आंत में होता है, उसे ना कोलंज बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मुझे शायद कोलंज है, मुझे पहले भी ये मर्ज़ हो चुका है, वो कह रहे हैं पहले भी ये मर्ज़ मुझे ये तकलीफ़ पहले भी रह चुकी है, हाय अल्लाह ये कहकर मैंने आंखें बंद कर ली।
ये जब मैंने कहा ये बात कही तो उसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, यानी ऐसा महसूस करवाया उन्हें कि जैसे तकलीफ की शिद्दत से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, ये तदबीर कारगर हुई, यानी ये जो था ये तरीका मौसर साबित हुआ। मौलाना ने मुझसे हमदर्दी जाहिर की और उन्होंने मेरे साथ हमदर्दी की, मेरे साथ खुलूस अंदाज से बात की, इलाज के मुतालिक चंद माकूल मशवरे दिए और तशरीफ़ ले गए, यानी चंद जो थे वो अच्छे मशवरे दिए इलाज के मुतालिक के, फ़लाँ जगह पे इलाज करवाओ या फलां दवाई खाओ और फिर अब चले गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और जी ने तहिया कर लिया कि अब दफ्तर में नहीं रहूँगा, क्योंकि ये ज़मींदार के दफ्तर में रहते थे। मौलाना आए, उन्हें अपने साथ सैर के लिए जाने के लिए बात करने लगे, उन्होंने तरीके से मौलाना को टाल दिया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि तदबीर जो है वो रोज़ तो नहीं कारगर साबित होगी, तो मुझे चाहिए कि मैं अब इस दफ्तर में ज़्यादा ना रहूँ। अब ये बात भी समझ में आ गई कि मौलाना तोंद से क्यों महरूम है। मुझे उन्होंने स्टार्ट में कहा था कि उनकी ना आम इंसानों की तोंद जो है वो तो आसमान से बातें करती है, तो मौलाना जो थे उनकी तोंद नहीं थी, तो वो कह रहे हैं कि अब मुझे पता चला कि उनका पेट बढ़ा हुआ क्यों नहीं है। आगे चलकर मालूम हुआ कि उन्हें सिर्फ दौड़ने और डंडे पेलने ही का शौक नहीं, मगदर भी हिलाते हैं, यानी वो जो है वो सिर्फ जो है वो दौड़ते नहीं हैं और इस चीज़ का उन्हें शौक नहीं है कि वो सिर्फ दौड़ भाग करें, बल्कि वो अपना जो है वो भी करते हैं, वर्जिश भी करते हैं, यानी वो चीज़ें भी उठाते हैं और इस किस्म के भी काम करते हैं, वजन भी उठाते हैं। नेज़ाबाजी और शह सवारी में भी फ़र्क है। शह सवारी होते हैं घोड़े की सवारी, यानी नेज़ाबाजी भी करते हैं, वो दूर से एक बड़ा सा चीज़ होती है जिसके आगे नोकीली लंबा सा डंडा होता है लोहे का, जिसके आगे नोकीला पन होता है और वो भी उन्हें आता है चलाना। शह सवारी भी करते हैं, तैराकी यानी तैराकी और कश्ती गिरी में भी बंद नहीं, निशाना भी अच्छा लगाते हैं, यानी कश्ती जो है चलाते भी हैं, निशाना भी अच्छा लगाते हैं। हैदराबाद की मुलाजमत के ज़माने में कुछ दिन फ़ौज में भी रहे, जब वो हैदराबाद में मुलाजमत करते थे तो वो कुछ अर्से फ़ौज में भी रहे थे। ये किस्सा ही अजीब है। सिपाही नेज़ाबाजी के करतब दिखा रहे थे, इनकी भी तबीयत लहराई, घोड़े पर सवार होके नेज़ा ताना और आन की आन में मीखू खेल ली, यानी मीखू खेल ली। आपको पता है कि वो एक खेल होता है, क्या कहते हैं उस खेल को, ये जब घोड़े सवार जो होते हैं वो दौड़ते हुए जाते हैं और बीच में ना मीखें लगी होती हैं, यानी ऐसी बड़े बड़े से कीलें सी लगी होती हैं, उन कीलों को उन्होंने उखाड़ना होता है, दौड़ाते हुए घोड़े के साथ अपने एक हाथ से घोड़े को संभालते हैं, दूसरे हाथ से वो खेल लेते हैं। तो उसे वो उस खेल का जिक्र कर रहे हैं कि फौजी जो थे वो ये काम कर रहे थे, तो उनकी तबीयत एकदम, उनका दिल जो था वो ये चाहा और उन्होंने क्या किया कि घोड़े पर सवार होकर नेजा ताना और आन की आन में मीखू खेल ली। हर तरफ से तहसीनों आफरीन का गुलगुला हुआ, यानी हर तरफ से उनको शाबाशें दी जाने लगी, उनकी वो करने लगे, उनको मुबारकबाद देने लगे और उनकी खिदमात फौज के सीगे में मुंतकिल कर दी गई, और जो उनकी खिदमात थी उन्हें फौज के उसमें मुंतकिल कर दिया, यानी फौज में वो भर्ती हो गए। लेकिन अफसरुल मुल्क से निभा ना हो सका, लेकिन जो थे जो अफसर थे वहाँ के फौज के अफसर थे उनके साथ ताल्लुक जो था वो सही ना हो सका, इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया, यानी उन्होंने नौकरी छोड़ दी। एक मरतबा एक साहब कहने लगे कि मौलाना जफर अली ज़बान और मुहावरे के उस्ताद हैं, यानी ज़बान बहुत ज़बरदस्त उनकी है, बहुत अच्छी ज़बान बोलते हैं, फसीह बलीग ज़बान है और मुहावरे के उस्ताद हैं, यानी उन्हें मुहावरे पर अबूर हासिल है, मुहावरे का इस्तेमाल बहुत खूबसूरती से करते हैं, अशार की बंदिश खूब होती है, लेकिन इनके यहाँ हकीकी शायरी बहुत कम है, यानी जो शायरी का असल है जो यहाँ बड़े सरीर में शायरी का जो जिस तरह का रिवाज है, तो वो कह रहे हैं कि वो उनके यहाँ उस शायरी वो शायरी कम है। मैंने कहा ज़रा बहीरा कुलजुम, लंदन की एक सुबह, रामायण का एक सीन पढ़ कर देखिए। कहने लगे मैंने तो ये नज़में नहीं पढ़ी, लेकिन मौलाना के अशार से मालूम होता है कि इनका कल्ब इश्क मोहब्बत के लतीफ जज्बात से खालिद है, यानी वो इश्क मोहब्बत की बातें नहीं करते, जो ज़ाहरी यहाँ जो शायरी में इश्क मोहब्बत को जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो एक मजामीन बांधे जाते हैं इश्क मोहब्बत के, उनका वो जिक्र नहीं करते। मैंने गुफ्तगू का पहलू बदल कर शेर खानी शुरू कर दी, यानी मैंने एकदम से इस जो वो बात कर रहे थे उसको बिल्कुल उसको बदल दिया और मैंने क्या किया कि शेर पढ़ना शुरू कर दिया। पहले फ़ारसी के एक दो शेर सुनाए, जब वो झूमने लगे तो शाद का ये शेर पढ़ा, पहले फ़ारसी के उन्होंने शेर सुनाए और फिर जब वो बहुत ज़्यादा उस पर वो हो गए, बड़े उन्हें खुश होने लगे और
अपने आप में अपने में मगन हो गए। तो फिर मैंने उन्हें कह दिया कि शायद एक शायर है, उनका शेर सुनाया। देखा कि ये वो मस्त निगाहों से बार बार, जब तक शराब आई कई दौर हो गए। यानी वो जो थे वो, इसका मतलब ये है कि जो महबूब है उसने बार बार मस्त निगाहों से बड़ी अपनी ना, वो जो खूबसूरत आंखें हैं, वो जो डूबी हुई आंखें हैं, उनसे मुझे बार बार देखा। तो शराब आने से पहले जितनी देर में शराब का प्याला आता और मैं मस्त होता, उतनी देर उससे कई उससे पहले ही कई दौर हो गए। यानी कई दफ़ा जो है मैंने मैं महव हो गया, मैं गुम हो गया, मैं उसकी नज़रों में गुम हो गया। उन्होंने दो तीन मरतबा ये शेर पढ़वाया। मैंने फिर कहा कि मतलब उन्होंने, वो जो थे साहब वो इतने ज़्यादा खुश हुए ये शेर सुन के, उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने उनसे दो तीन मरतबा कहा कि आप ये शेर दोबारा पढ़ें। सलीका मैकशी का हो तो कर सकती है महफिल में, निगाहें मस्त साकी मुफलसी का एक बार अब भी। तो उन्होंने ना कहा कि अगर मैकशी का सलीका हो तो महफिल में, निगाहें मस्त साकी साकी की मस्त निगाह मुफलसी का एक बार भी कर सकती है, गुर्बत का एक बार भी कर सकती है। वो शेर सुनकर तड़प गए, कहने लगे किसका शेर है। मैंने पूछा जो शख्स ऐसा मारका, जो शख्स ऐसा शेर कह सकता है, इसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है। कहने लगे इसके शायर होने में क्या शक है। मैंने कहा तो फिर सुन लीजिए कि ये शेर मौलाना जफर अली खान का है। उन्होंने उन्हें बताया कि जो ये खूबसूरत शेर है जिस पे आप तड़प उठे हैं, झूम गए हैं, ये शेर जो है ये मौलाना जफर अली खान का है। ये सुनकर इनका ऊपर का सांस ऊपर और तले का तले रह गया। यानी जो ऊपर का सांस है वो ऊपर ही रह गया और नीचे का सांस जो है वो नीचे रह गया। दरअसल मौलाना की शायरी पर तनकीद करना मेरा मौजू नहीं, यानी मैं मौलाना की शायरी पर तनकीद नहीं करना चाहता। यूं ही बरसबीले तस्करा ये बातें आ गई, यानी जो है बात करते हुए जो है ना बात से बात बाहर हाल निकल आती है। तो वो कह रहे हैं कि तस्करे के तौर पर ऐसे ही बातों बातों में ये बात जो है ये निकल आई है। मुझे तो ये कहना है कि मौलाना ने अपनी तमाम नज़में बहुत थोड़े वक्त में कही हैं। शायद ही कोई नज़्म ऐसी हो जो उन्होंने घंटे दो घंटे में कही हो, वरना एक नज़्म पर अमूमन आठ घंटे से ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं होता। यानी वो बहुत जल्दी जो है वो शेर शायरी जो है उनकी बहुत ज़्यादा है और वो बहुत जल्दी शेर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत दो दो चार चार दिन में एक नज़्म लिखें या गज़ल लिखें, बल्कि बहुत जल्दी कहते हैं शायर। पत्थर निकाल हमसर निकाल बड़े मार्के की नज़्म है। एक उनकी नज़्म का वो जिक्र करें कि पत्थर निकाल हमसर निकाल बहुत मार्के की नज़्म है। 17 शेर हैं जो घंटे भर में लिखे गए हैं, यानी उन्होंने उसमें 17 शेर लिखे हैं, 17 शेर लिखे हैं जो एक घंटे में सिर्फ लिखे हैं। इसका आखिरी शेर मुझे नहीं भूलता, जो उन्होंने आखिरी शेर कहा है वो मुझे नहीं भूलता। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। अब आप लोग जो हैं वो मुझे बताएं कि आपने जो कल आपको मैंने काम दिया है वो आप लोगों ने काम कर लिया है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कल जो मैंने आपको काम दिया था वो आप लोगों ने किया है? जी टीचर, कर लिया बेटा। आज आपका काम जो है आप पेज नंबर 40 निकालें। दस्तक जो हमने पहले पढ़ा था ना, ड्रामा एक हमने पढ़ा था दस्तक, स्टेज ड्रामा मिर्जा अदीब का, उसका 40 पेज बेटा निकालें। क्योंकि ये जो आपका आज का है ये आपको पता है स्मार्ट सिलेबस में नहीं, लेकिन हमने जस्ट पढ़ना जरूर है। हर जो भी हमारा टॉपिक है उसे एक दफा पढ़ना जरूर है हमने। अब आप 40 पेज नंबर 40 निकालें। समझ निकाल लिया आप लोगों ने? जी टीचर। बेटा इधर ना वो जो लाइन है, बेगम जब दस्तक ही ना हो और इसरार किया जाए कि आवाज सुनी है, इस वक्त आवाज सुनना किस तरह हकीकत हुई। जी टीचर। ठीक है, यहाँ से लेके एंड तक आपने करना है। जैदी तुमने दरवाजा खोलकर देखा था ना, यहाँ तक आपने इसका इसकी तशरीह करनी है। जी बेटा, इसकी तशरीह करनी है और स्याको सबाक बयान करना है। ठीक है। ठीक है जी टीचर। और ये बाकी किसी की आवाज नहीं आ रही है, क्या मसला है? और आप लोग बेटा इतने कम लोग क्यों आ रहे हैं? जी टीचर। बाकी लोग क्यों? मैम मैं जाना बेग की जगह से है ना। हाँ मैं और जाना बेग की काउंट से हैं।
बेटा जैनब और आप एक पे, वो तो मुझे समझ आ जाती है, सब और महक भी एक पे ही होंगे, लेकिन इफ्रा नहीं आ रही है। अच्छा पता नहीं मैम, उनका तो नहीं पता। इफ्रा भी नहीं आई है आज भी, और ये सीरत फातिमा भी नहीं आ रही है, निमरा भी नहीं आई है, फरियाल नहीं आई है, मह गुलाम नबी नहीं आई, आयशा सदीका, आरफा पता नहीं मैम नहीं। उनका। मैम मैं तो हूँ आप अंदर। बताओ, अगर बेटा किसी के साथ भी मैम माह आयशा सदीका हम नहीं। परी, शीबा, सहर, आज ये सब एक्सक्यूज मी नहीं टीचर, टीचर आ रहे हैं, ये क्या मसला है, टीचर क्यों इतने बच्चे नहीं आ रहे हैं? अगर आप लोगों का आपस में एक दूसरे से कोई कांटेक्ट है, कोई रापता है, तो बेटा आप ये बताएं, एक दूसरे को आप मैसेज करें, बता दें कि ये इस तरह अगर वो क्लासेस ले लेंगे ना, तो फिर उनके एब्सेंट मार्क होगी, दोबारा रीएडमिशन करवाना पड़ेगा, और जब एडमिशन जा रहा होगा बोर्ड में, तो वो फिर बहुत मसला हो जाएगा, सॉल्व हो जाएंगी आपकी, एक दूसरे की आप प्लीज बेटा एक दूसरे को आप फोन करो या मैसेज करो। मैम उन्हें बहुत दफा किया है, उनको बहुत दफा कहा है। टीचर ये जो आपने बताया पेज नंबर 40 वाला, इसका क्या करना है? टीचर इसका मेरा बेटा आपने ना इसकी तशरीह करनी कितने कितनी लाइंस की, कहाँ बहुत तक है, लिखे हैं लेकिन इसकी जरूरत लाइंस? नहीं है, लेकिन बहरहाल आपने सियाको सबाक भी लिखना है, और उसके बाद थोड़ी इसको जरा बयान करना है कि ये असल में इसमें टीचर एक पैराग्राफ कहाँ तक है, कहाँ जी तक है पैराग्राफ इसका, इसका पेज की पैराग्राफ ना लास्ट वो तक? एंड तक आपने उसे करना है, वो जैदी तक ना, ओके टीचर। ठीक है, जैदी के वहां तक करना है, इसमें कोई लंबा चौड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, आपको पता है, लेकिन इसमें ना उस वाक्य का जिक्र है सारा, क्या ओके हुआ है, ये क्या था, वो तमाम चीजें है ना उसमें, तो उन चीजों को आपने थोड़ा सा बयान करना है। समझ आ गई है ना? यस। और कोई बात जो आपको समझ ना आई हो? नो मैम, सब आ गया अलहमदुल्ला।